चिकन मैक्रोनी रेसिपी बनाना बता रही हूँ। बहुत दिन हो गए मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि थोड़े से दिन छोटे हैं, काम ज़्यादा होता है तो दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँ या आप लोग को बनाना बताऊँ। तो बहुत दिन सोचने के बाद मैंने कहा चले मैं आज आपको मैक्रोनी की रेसिपी, चिकन मैक्रोनी की रेसिपी बताती हूँ। तो चले आए मैं आपको चिकन मैक्रोनी की रेसिपी बताती हूँ। इसमें हमें जो चाहिए होगा, हमें इसमें चाहिए होगा ये 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 4 टेबल स्पून हमने लिए हैं ऑयल के। हम ये अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। देखें हमने डाल दिया, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। हमने 1 टीस्पून इसमें ब्राउन हो जाए थोड़ा सा, ये देखें आप देख रहे हैं ना ये ब्राउन हो गया, तो अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करके हम इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर वाइट हो। ये देखें फ्रेंड्स इसका कलर हो गया है वाइट। इसको हम थोड़ी सी देर और करेंगे ताकि इसकी जो बिसान वगैरह है वो सब निकल जाए इसमें से। देख रहे हैं ऐसा कलर वाइट हो गया है। फिर हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ना डालना शुरू करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें हमने चिली फ्लेक्स कुटी मिर्च लिए हैं 1/2 टीस्पून और ये हमने लिया है ये चौगो मसाला, हमने लिया है टिक्का मसाला ये भी 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। देखें ये डाल दिया और ये नमक लिया है 1/4 टेबल स्पून वो इसमें डालेंगे और ये चाट मसाला हमने 1/2 टेबल स्पून लिया है वो इसके अंदर डालेंगे और ये वाइट पेपर है 1/2 टीस्पून ये हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखें ये हमने सब डाल दिए इसके अंदर स्पाइसेस, इसको हम थोड़ा सा और चलाएँगे। देखें फ्रेंड मैं ये प्लेन टमाटर का केचप इसके अंदर डाल रही हूँ, प्लेन जो होता है ना बिल्कुल टमाटर केचप जिसे कहते हैं वो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए, इसको हम चलाएंगे 1 से 2 मिनट तक हम इसको ब्राउन करेंगे। देखें ये ज़रा मिक्स हो जाए। अब फ्रेंड हम इसमें चिली गार्लिक वाला केचप डालेंगे जिसमें चिली गार्लिक होते हैं, दोनों होते हैं, चिली भी होती है और गार्लिक भी होता है। ये वाला केचप भी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर, इसको 2 मिनट के लिए चलाएंगे और फिर हम इसको अब इसे आँच स्लो करके गलने के लिए चिकन को 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। हमारी मैक्रोनी अच्छी तरह गल गई है अब अच्छी तरह ये भुन भी गई है मसाले के अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे और गाजर डालेंगे और इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे इसके अंदर डाल के मिक्स करके। फिर 5 मिनट के लिए हमें इसको थोड़ा सा पकाना है। ये देखें इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना वरना सब्जियां नरम हो जाएंगी, तो हमें इनको सिर्फ 5 मिनट पकाना है। देखें फ्रेंड ये हमारे पास 2 कटोरी मैक्रोनी थी जिसे हमने 4 कटोरी पानी में बॉईल कर लिया है। इसके अंदर हमने ऑयल 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 1 स्पून हमने इसमें सिरका डाला है और फिर इसको बॉईल कर ली। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे। देखें ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया इसको। 2 टेबल स्पून हम इसमें अंदर सोया सॉस डालेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें चिली डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे। ये हो गया, अब हम इस सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। मैक्रोनी भी देखें कितनी अच्छी फूली हुई है। बाद मैंने लोगों की मैक्रोनियाँ देखी हैं वो बिल्कुल भी फूली नहीं होती हैं और मेरी ये मैक्रोनी देखें कितनी अच्छी फूली हुई है। देखें फ्रेंड्स ये देखें ये बस हमने इसको 5 मिनट तक मिक्स करना है। मैक्रोनी तो वैसे ही पकी हुई है, बस चिकन भी हमारी पक गई थी, सब्जियाँ भी हो गई थी, बस हम इसको टॉस करेंगे 5 मिनट तक। ये देखें फ्रेंड्स ये हमने इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके चूल्हे को हमने तेज़ किया और हम इसको बस ऊपर नीचे करेंगे। ये सब चीज़ें गले ही हुई हैं, बस हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। अब
हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर मैं आपको इसको बाउल में डाल के दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, सर्व करती हूँ मैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दी है और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ग्रीन कैप्सिकम और गाजर के रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन और येलो का कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और आप उनको देख सकें और मेरी वीडियो को लाइक कर सकें। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स किया करें, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स किया करें और अपने फ्रेंड्स को भी मेरा लिंक्स दें ताकि वो भी मेरी वीडियो को देखें और ना मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे भी कमेंट्स करें कि उन्हें क्या बनाना है। मैं आपको बेसिक रेसिपियां भी बताऊंगी और जो हमारी ऑथेंटिक रेसिपी है वो भी बताऊँगी। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।